वेलकम बच्चों। तो फिजिक्स के टेस्ट में भी आपको कुछ एमसीक्यूज थे और वहाँ पर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज थे। तो थियोरेटिकल एमसीक्यूज वैसे आंसर तो वैसे भी मैं आपको भेज देता ही हूँ, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल एमसीक्यूज को आपको एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके सामने अभी है चार न्यूमेरिकल एमसीक्यूज थे, तो उन्हीं चार न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। तो चलो चालू करते हैं बिना रुकावट के। देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने पहले एमसीक्यू में, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ, जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ। और ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें से जो गिवन मटेरियल है, ठीक है, वो निकालो, उसके बाद में क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार फार्मूला वगैरह लगाकर काम करो। सो टेंशन इन द पियानो वायर, जो पियानो वायर होता है उसमें टेंशन क्या किया, इज इंक्रीज्ड बाय 25%। जो टेंशन है पहले जो भी टेंशन होगा उसको क्या किया 25% से बढ़ाया, ठीक है। तो मान लेते कि इनिशियल टेंशन, समझो क्या है, इनिशियल टेंशन हमारे पास है, मान लो इनिशियल टेंशन समझो टी है। अब क्या किया उन्होंने, टेंशन को बढ़ाया, तो फाइनल टेंशन मैं उसको नाम दे देता हूँ टी वन। देखो मैंने नाम दिया टी वन, लेकिन किया क्या है उन्होंने, उन्होंने बढ़ाया है। तो पहले कितना था, तो टी था, बढ़ाया इंक्रीज किया मतलब प्लस किया, कितना प्लस किया, तो 25%। लेकिन कभी भी ध्यान रखो परसेंट हमेशा ओरिजिनल पर लगता है, यहाँ पर ओरिजिनल खुद को उन्हें टी है, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या बनेगा, ये टी है प्लस 25 से कट करो तो 4, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा 5t/4, यानी इनिशियल टेंशन टी है और फाइनल टेंशन टी वन है, ठीक है। तो इस तरह से ले सकते हैं, या फिर मैं इनिशियल टेंशन को मैं टी वन टी टू ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। सो ध्यान दीजिए, अब उन्होंने आगे क्या कहा, इट्स अ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डॉट 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 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है या फिर इनिशियल फ्रीक्वेंसी समझो यन है, और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर समझो एन वन है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या है, टेंशन है और फ्रीक्वेंसी है, तो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द टेंशन, ये पढ़ा है। तो अब हम क्या करते, इनका रेशियो ले लेते। तो देखो हमारे पास एन वन और एन है, तो एन वन अपॉन एन इज इक्वल टू रूट में क्या होगा, फिर टी वन अपॉन टी होगा, टी वन अपॉन टी, या फिर आप एन वन एन टू टी वन टी टू ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं, इसको क्या होगा, यहाँ पर है टी वन अपॉन टी, तो टी वन कितना है हमारे पास, यस 5t/4 है, और ऑलरेडी नीचे कौन है, टी है। अब देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, 5 का स्क्वेयर रूट निकलता नहीं, रहने दो, और 4 का स्क्वेयर रूट होता है 2, ठीक है। अब आप जैसे कि आपको √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू मालूम हो, तो वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख सकते हो, तो √5 की वैल्यूज़ होती है 2.24, ठीक है, अपॉन में 2 है, ठीक है। तो चलो फाइनली इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा आपके पास 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4, और इसीलिए हम बोलेंगे कि एन वन इज इक्वल टू 1.12 इंटू एन। इसका मतलब ये है कि आपकी, देखो क्या है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है इट इज 1.12 टाइम्स, देखो यहाँ पर डॉट का मतलब टाइम्स, ठीक है, एन यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी हमारा अगर हम बात करते आंसर्स की, ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करते आंसर्स की, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है, हमारा 1.12। देखो वहाँ पर मैंने जो आपको एमसीक्यूज दिए वो थोड़े नंबरिंग अलग है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज लिए यहाँ पर इनके नंबर के अनुसार हम जा रहे हैं, बराबर आप चेक करना। तो पहले का आंसर होगा हमारे पास 1.12, ठीक है बच्चों। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो क्या कहा उन्होंने, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव गिवन बाय। देखो ये आपको एक वेव का इक्वेशन दिया गया, सो इक्वेशन ऑफ वेव डाल देते यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। चलो बच्चों देखो क्या दिया है इक्वेशन ऑफ वेव, बताओ क्या है, y इज इक्वल टू 0.003 यहाँ पर है साइन पाई टी अपॉन 0. यहाँ पर है 08 प्लस पाई एक्स अपॉन यहाँ पर है 8, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, उन्होंने पूछा है पीरियड, यानी आपको पूछा है कैपिटल टी,
ठीक है। तो पहले काम करो, इसको ना थोड़ा सा अपने ओरिजिनल इसमें बना दीजिए, ठीक है, इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। 0.003 साइन, याद करो वहाँ पे रहता था 2 पाई, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पाई, अगर हम फार्मूला देखें तो y इज इक्वल टू क्या है, a साइन 2 पाई बाहर रहता, t बाय कैपिटल t, ठीक है, प्लस माइनस लिख सकते हैं आप वहाँ पर, x अपॉन लैम्डा ऐसा कुछ रहता। अगर ये 2 पाई अंदर चला गया तो यहाँ पे भी 2 पाई होगा, यहाँ पे भी 2 पाई, जैसे कि यह दिया है तो मैं यहाँ पे 2 पाई की अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई x, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, 0.003 यहाँ पर साइन, ये 2 पाई को अब क्या करो बाहर निकालो, तो यहाँ पर बचेगा टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 0.16 प्लस 2 पाई तो बाहर चला गया, तो x अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ क्या होगा, ओरिजिनल है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल t, ठीक है, प्लस x बाय लैम्डा। अब आपको इसमें से चाहिए कौन, बस उसको ले लो आप। आपको क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने पूछा है t, तो देखो t बाय t है, यहाँ पे t बाय 0.16 है, इसका मतलब सो t इज इक्वल टू होगा 0.16 सेकेंड, तो ये होगा आपका आंसर। इसलिए सेकेंड का आंसर, इसके अनुसार सेकेंड का आंसर होगा 0.16 सेकेंड, ठीक है। हम हमारे पास थर्ड क्वेश्चन को, तो बोर्ड पर है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या कहा, अ स्ट्रेस स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, यानी आपको लेंथ कितनी दी गई है 2 मीटर, आपको क्या कहा, वाइब्रेट्स इन थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब बच्चों होता है फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, फॉर थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन हार्मोनिक कितने होते हैं, ठीक है, 4 हार्मोनिक्स, ठीक है, यानी हम सिंपल बोलेंगे 4 हार्मोनिक, और 4 हार्मोनिक की बात करते हैं तो आप थोड़ा स्टार्टिंग से विचार करो, फंडामेंटल मोड था, यानी फर्स्ट मोड था, तो फर्स्ट मोड में हमने इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहा था, फिर सेकंड में सेकंड हार्मोनिक तो फर्स्ट ओवरटोन कहा था, फिर थर्ड हार्मोनिक तो सेकंड ओवरटोन, फिर उसके बाद फोर्थ हार्मोनिक तो थर्ड ओवरटोन था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि थर्ड ओवरटोन है तो हार्मोनिक क्या होगा, फोर्थ, यहाँ पर होगा फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है, और फोर्थ हार्मोनिक का मतलब होगा नंबर ऑफ लूप्स, सो नंबर ऑफ लूप्स की अगर बात करते तो यहाँ पर होंगे वो 4, मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर इतना होगा हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4, तो ऐसे कितनी लूप्स बन गई हमारे पास, 4। अगर हम वायर की बात करते तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है एल, एल इज इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम बात करते हैं एक लूप की, तो एक लूप की लेंथ जो होती है, तो ये जो होता है लूप में 2 नोड्स होते हैं, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमारा कितना, लैम्डा बाई 2, यानी लेंथ ऑफ 1 लूप बोलो या फिर डिस्टेंस बिटवीन, देखो उन्होंने क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, यानी 2 नोड के बीच का डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ 1 लूप वो लैम्डा बाई 2 से बताते हैं हम, ठीक है। और अब देखो वाला कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक यल है, इसमें से 1, 2, 3, 4, यानी 4 लूप्स है, तो एक लूप की लेंथ अगर बात करते हैं तो वो बन जाएगा यल बाय 4, ठीक है। और हमको नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स ही निकालना है, मतलब पूरा का पूरा लैम्डा बाय 2 ही निकालना है, तो चलो यल बाय 4 है, तो यल कितनी हमारे पास 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करो तो 4 0 0, ये 20 बनेगा, 4 5 20, तो इतना मीटर आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या है कि जो ऑप्शन वगैरह आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो 0.5 मीटर का मतलब यानी आधा मीटर, आधा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, तो वो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2, और वो आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा थर्ड अगर वहाँ पे आप ऑप्शन देखते हो थर्ड, तो वो आता है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या कहा, स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है हमारे पास, यहाँ पे लेंथ खुद यानी सिंबल में दिया, यल दिया। अब वाइब्रेट्स इन द थर्ड ओवरटोन, यानी एक तरह से यही प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब चाहिए क्या, द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ चाहिए, यहाँ पर क्या था, कॉन्जिक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस यानी लैम्डा बाई टू, यहाँ पे वेवलेंथ चाहिए, मतलब प्योरली लैम्डा ही चाहिए। लेकिन कंडीशन तो यही होंगी ना, कंडीशन यहाँ पे जो कंडीशन दी है देखो, एल बाई टू इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल बाई फोर, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल बाई फोर ही होगा। ठीक है, लेंथ जो दी है हमको एल बाई फोर ही होगा, लेकिन लैम्डा बाई टू का मतलब कॉन्जिक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है द वेवलेंथ, यानी सिंपली वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ मींस लैम्डा, तो ये टू को आप ट्रांसफर कर दो तो ट्वाइस एल अपॉन फोर, इसलिए लैम्डा की बात करते हैं तो टू टू कट जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, एल बाई टू। सो हमारा इसका ऑप्शन होगा, जो वेवलेंथ होंगी वो वेवलेंथ होगी, यानी फोर्थ का आंसर होगा एल बाय टू। ठीक है, फोर्थ का आंसर कौन सा होगा, एल बाय टू। अब देखेंगे यहाँ पर जो मैंने 1, 2, 3, 4 नाम दिए गए, आपको जो टेस्ट दी गई थी वहाँ पर ऐसे नंबर नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के जो नंबर है वो क्वेश्चन आप बराबर देखिए और उसके अनुसार आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर्स है आपके पास आप उसको देखो, जैसे कि वहाँ पर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो आप वहाँ पर बराबर देखिए ये उसके आंसर्स है और किस तरह से करना है ये आपको इस वीडियो में दिख ही रहा है। ठीक है, सो बच्चों इस प्रकार से आपको सॉल्व करने थे, आई होप कि आपने भी किया होगा, इनकेस नहीं किया होगा लेकिन ट्राई तो किया ही होगा, कोई बात नहीं, तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अभी रुकते हैं।